तो हम गैसेस स्टेट का सबसे पहले यूनिट्स चार्ट डायग्राम देख रहे हैं, और हमने लिखा है प्रेशर, फोर्स, प्रेशर यूनिट चार्ट। इसके अंदर पहले प्रेशर की देख लेते हैं क्या है डेफिनेशन, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो मैंने एक सिस्टम बताया है जिससे आप समझ सकें कि फोर्स पर यूनिट एरिया आप कैसे निकालेंगे। ये एक सिलेंडर है, ये पिस्टन है, इसमें गैस रखी हुई है और इक्विलिब्रियम है। तो जितना एक्सटर्नल प्रेशर होगा उतना ही क्या होगा, इंटरनल होगा। तो आप जब भी प्रेशर गेज लगाएंगे आपको यहाँ पर प्रेशर दिखाई देगा अपने आप में। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है, तो ये प्रेशर गेज हो गया जो प्रेशर को मेजर कर देता है। आ गई बात समझ में? तो यहां आपके पास जितना इंटरनल होगा उतना ही एक्सटर्नल। सपोज आपने कुछ भी नहीं लगा रखा, पिस्टन ऐसी तरह से है, तो बताइए एक्सटर्नल प्रेशर क्या होगा, 1 atm फिक्स है। तो अंदर वाला चेक करने की जरूरत नहीं है, 1 atm ही होगा क्योंकि ये मूविंग पिस्टन है। तो कब आप इसका प्रेशर बढ़ा सकते हो, क्या 1 atm से ज्यादा ले जा सकते हो? नहीं। आप बढ़ा कैसे सकते हो प्रेशर, यहां लॉक कर दो और जबरदस्ती इसमें गैस भरते जाओ भरते जाओ। एक समय इतना प्रेशर बढ़ जाएगा कि ये हो सकता है एल्यूमिनियम की बॉल्स ब्लास्ट हो जाए। समझ में आ रहा है? ऐसे ही भर सकते हो, बस बाहर मत जाने दो, ऊपर मत जाने दो इसको। इज दैट क्लियर? खत्म। तो ये होता है प्रेशर कॉन्सेप्ट। तो इंटरनल और एक्सटर्नल आपके लिए क्या हो जाएगा इस जगह तक? तो अभी तो जब तक मूविंग रहेगा हमेशा बराबर रहेगा। आप अगर ये मूविंग है तो आप जैसे गैस भरोगे ऊपर चलता जाएगा जलता जाएगा, इसको क्या है कोई मतलब ही नहीं रहेगा। लेकिन लॉक करके आप गैस भर रहे हो तो प्रेशर बढ़ेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ दो तरह के सिस्टम हो गए, एक लॉक करे और एक बिना लॉक के। तो जब इसको लॉक कर दिया जाता है तो इसको बोलते हैं रिजिड कंटेनर। क्या बोलते हैं? रिजिड। फिर वो मूव नहीं कर सकता। और अगर आपने लॉक नहीं करा, मूव कर सकते हो, तो फिर उसको बोलेंगे पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। और ज्यादा अच्छे से बोलना चाहो तो मूविंग पिस्टन सिलेंडर सिस्टम। अब इसके अंदर प्रेशर की कुछ यूनिट्स है, एमकेएस पास्कल है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर बोल सकते हो आप, सीजीएस डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। जनरली इसका यूज आप नहीं करते हो, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इज दैट क्लियर? तो अब कुछ चैप्टर यूनिट है जो इस चैप्टर में काम आएगी, जैसे एटीएम, बार, टॉर। ये ना एमकेएस है, ना सीजीएस है, ना कोई और यूनिट है, सिर्फ चैप्टर में यूज आ रही है। जहां यूज आ रही है उसको मैंने चैप्टर यूनिट दे दिया नाम अपनी तरफ से। तो अब आपके पास इनमें आपस में क्या रिलेशन है? देखो 1 atm सबसे बड़ा है। 1 atm का मतलब है आपके पास कितने पास्कल है, 1.0132 × 10^5 पास्कल। फिर दूसरे नंबर पे आती है बार। बार में कितने पास्कल है, 10^5। तो ज्यादा किसमें? एटीएम में। तो एटीएम में ज्यादा है तो एटीएम बड़ी यूनिट हो गई। और 1 atm इक्वल टू कितने बार हो जाएंगे, 1.0132 बार। बार का मतलब आप समझ गए, प्रेशर की यूनिट है, वो वाला नहीं है जो आप समझ रहे हो, बार का मतलब एक ही है। ठीक है? तो थर्ड नंबर की यूनिट चैप्टर में टॉर या एमएम ऑफ एचजी, इसका मतलब सेम ही होता है। तो टॉर और एमएम ऑफ एचजी, 1 atm इक्वल टू 760, 760 टॉर या 760 एमएम ऑफ एचजी। एमएम ऑफ एचजी ऐसा लगता है लेंथ की यूनिट है, नहीं, ये किसकी यूनिट है, प्रेशर की। क्यों है ये हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन है। और 760 टॉर भी किसकी यूनिट है, प्रेशर की। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट आ रहा है आपके पास कि क्या पास्कल और टॉर में रिलेशन बनाया जा सकता है। हाँ, अब देखिए कौन सी बड़ी यूनिट है, देखते हैं। एटीएम इक्वल टू कितने टॉर आ रहा है, 760, जबकि पास्कल कितना आ रहा है, 10^5 के ऑर्डर का। तो आप खुद ही समझे कि यार एक टॉर में कितने पास्कल होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि इस जगह लग रहा है कि टॉर बड़ी यूनिट है, क्योंकि टॉर एक एटीएम में कम आ रहा है एज कंपेयर टू पास्कल। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ये होगी, अगर आप एग्जैक्ट जाना चाहते हैं तो 1.013 भी लिख सकते हो आप, × 10^5/760 पास्कल। तो इससे पता चल रहा था यहां से कि टॉर बड़ी यूनिट है, तो टॉर में पास्कल क्या होंगे, ज्यादा होंगे। ज्यादा अगर ने तो 10^5 को ऊपर रखना होगा और 760 को नीचे लिखना पड़ेगा। कम होते तो 760 को ऊपर रख लेते, 10^5 को नीचे रख लेते। कुछ समझ में आया?
अब इससे आपने पूरे डायग्राम में क्या सीखा? सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? देखो, वन एटीएम, फिर बार, वन बार, फिर वन टॉर, और फिर वन फास्कल, और सबसे छोटी ही आ जाएगी वन सीजीएस वाली, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। कुछ समझ में आया? इनका कोई कॉमन नेम नहीं है। इस करना चाहो तो कर सकते हो। न्यूटन के कितने डाइन होते हैं देख लो आप। अरे वाह, तो कर लेते हैं, कभी हम इस चीज को नहीं पढ़ते, लेकिन अगर आप करना चाहो तो कर सकते हो। डाइन को किसमें चेंज कर रहे हो आप? न्यूटन में। 10^-5 डाइन न्यूटन हो गया कन्वर्स। और 10^-4, तो इसका मतलब 10^-1 पास्कल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? तो फर्क तो पड़ रहा है, यानी एक पास्कल इज इक्वल टू, कन्वर्जन उल्टा देख लेते तो 10 आ जाता। तो ये तो रहा छोटा सा पॉइंट जो आपको आइडिया होना चाहिए, लिखो इसको। तो हम बात कर रहे हैं यूनिट चार्ज, वॉल्यूम यूनिट चार्ज। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या है? वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस। तो यहां दो बातें आती है, एक होता है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल और एक होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, दोनों में अंतर है। वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल का तो मतलब हो गया एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है, जो थियोरिटिकल आप निकाल सकते हो 4/3 πr³ करके, वो तो है वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल। जब भी वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है तो आप वो बोल सकते हो, लेकिन वॉल्यूम ऑफ गैस पूछा जा रहा है, वॉल्यूम ऑफ गैस, तो इसका मतलब सीधा सीधा है वॉल्यूम ऑफ गैस की बात कर रहे हैं। आपके पास गैस ने कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड करा है वो आपके पास है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये वॉल्यूम ऑफ कंटेनर हो जाता है। आप इसमें दो मॉलिक्यूल भी रखेंगे ना कंटेनर में, तो वो पूरी जगह घूम सकते हैं, यानी वो सारा एरिया जहां वो मूव कर सकते हैं वो वॉल्यूम ऑफ गैस कहलाता है। और वो एरिया कोई और नहीं होता, वो क्या होता है? कंटेनर का वॉल्यूम, पूरा घूम सकता है वो। इज दैट क्लियर? तो इसका मतलब वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड ऑफ एटम्स ऑब्लिक मॉलिक्यूल्स बाय गैस, या इट इज द फ्री स्पेस वेयर मॉलिक्यूल ऑफ गैस कैन मूव और ट्रांजिस्ट। ठीक है, तो ये तो रहा हमारा वॉल्यूम की डेफिनेशन। अगला पॉइंट, हम वॉल्यूम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यूनिट कैसे डिफाइन करेंगे? MKS में आएगा m³, CGS में आएगा cm³, सेंटीमीटर क्यूब यानी CC, CC का मतलब सेंटीमीटर क्यूब है। इज दैट क्लियर? अगला, ये एक मैंने डायग्राम लिया है, रिजिड बॉडी है, वॉल्यूम चेंज नहीं होना चाहिए, पूरा सॉलिड बनाया हुआ है, और इसमें गैस कोई सी भी भरी है, भले वो 1 मोल भरी है या 2 मोल भरी है, उससे मुझे मतलब नहीं है। 1 मोल भरी है तो मैं बोल दूंगा मोलर वॉल्यूम, और 2 मोल भरी है तो फिर मोलर वॉल्यूम नहीं बोलूंगा, तो मैं वॉल्यूम ऑफ गैस तो बोल ही सकता हूँ हर जगह। तो ये रिजिड है, इसकी कुछ चैप्टर यूनिट भी है, जैसे लीटर जिसको आप डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हो, मिली लीटर जिसको आप मिली लीटर ही बोलोगे, डेसी लीटर इसको भी आप डेसी लीटर ही बोलोगे। ठीक है, तो मैं एक आइडिया देना चाहता हूँ। मेरे पास 1 m³ है, आप सोचो 1 m इतना लंबा तो होगा, यस और नो? इतना लंबा होगा, ऊपर होगा, इस तरफ होगा, तो क्या बनेगा? एक बहुत बड़ा टैंक टाइप बन जाएगा। अगर इस तरह का आपने टैंक बनाया तो उसमें कितना पानी आएगा? 1 l आएगा या 1000 l आएगा? बस वही मैंने लिख लिया, यानी 1 m³ इक्वल टू, 1 m³ इक्वल टू 1000 l या 1 kL, 1 kL। इज दैट क्लियर? कोई डाउट नहीं है? अगला पॉइंट, ये हमारे पास हो गया kL। एक और चीज मेरे दिमाग में आ रही है कि अगर लीटर, ये मिली लीटर कैसे दिखेंगे? मिली लीटर आपके पास क्या होगा? बहुत ही कम, आप दवाई लेते हो मिली लीटर में लेते हो, तो 1 l में कितना होता है? 1000 ml। इज दैट क्लियर? अब एक सेंटीमीटर की सोचो कितना होता है, छोटा सा, इतना सा सेंटीमीटर होता है,
इतना 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 ऐसा लगेगा ढक्कन ही है या एक चम्मच जैसा वॉल्यूम आएगा। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में क्या आएगा, 1 मिलीलीटर आएगा। इज दैट क्लियर? थर्ड पॉइंट, यानी कि मिलीलीटर में कितना आएगा, 1 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट डेसीलीटर, डेसीलीटर यानी यहां मैं डेसी नहीं बोलना चाहता था, मैं चाह रहा हूं हाँ डेसीमीटर। डेसीमीटर पहले देख लो इतना सा होगा, डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर का हो गया, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, कितना आएगा इसमें पानी, 1 लीटर। 1000 तो आने से रहा, तो 1 डेसीमीटर में कितना आएगा, 1 लीटर आएगा। यानी डेसीमीटर क्यूब और लीटर सेम है, डेसी जब भी आ जाता है इसका मतलब होता है 1/10। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है? तो डेसी लीटर का मतलब क्या हो गया, डेसी लीटर 1 लीटर इक्वल टू 10 डेसी लीटर, या 1 डेसी लीटर इक्वल टू 1/10 लीटर, बात एक ही है। और फिर मैंने डेसी लीटर को कन्वर्ट कर लिया एमएल में, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 लीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1000 ml। 1000 ml यानी कि 10 जाएगा 100 ml आ जाएगा, यानी 1 डेसी लीटर इक्वल टू 100 ml आ जाएगा। पकड़ो बात, अच्छे से पकड़ लिया, तो लिखे इसको सबको। तो ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हो गए। 1 मीटर क्यूब में 1 लीटर, और 1 मीटर में, सॉरी 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर, और 1 लीटर में 1000 ml। तो एक तरह से देखा जाए 1 मीटर क्यूब में कितने ml आएंगे, 10^6 ml, और 1 ml में 1 सेंटीमीटर क्यूब। यानी 1 मीटर क्यूब में कितने ml आएंगे, 10^6, और कितने सेंटीमीटर क्यूब आएंगे, 10^6, दोनों बराबर है। तो ये चार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया? कोई ऐसा डाउट जो आपको लग रहा है, परेशान कर रहा है? ठीक है, लिखें फिर। तो चलिए हम एक और यूनिट पढ़ने जा रहे हैं, यूनिट चार्ट, और वो है टेम्परेचर का। टेम्परेचर की डेफिनेशन होगी, इट इज द पैरामीटर बाय विच वी कैन शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। सही है, हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, यस और नो? तो टेम्परेचर को हम टी से रिप्रेजेंट करेंगे, एमकेएस में इसकी यूनिट होती है कैल्विन, और सीजीएस में भी इसकी यूनिट होती है कैल्विन। यानी कैल्विन ही हर जगह यूज करते हैं, जहां पर भी टेम्परेचर आ रहा है वहां कैल्विन ही यूज करनी है, कोई और यूनिट दे रखी है तो उसे कन्वर्ट करो आप। तो चलिए कुछ और चैप्टर यूनिट कौन सी है, जैसे अगर हम बात करें तो सेल्सियस, और दूसरा हमारे लिए फेरेनहाइट, ये दोनों ही हमारे लिए चैप्टर यूनिट है। इनमें क्या रिलेशन है, पहले हम बात करते हैं सेल्सियस और फेरेनहाइट में क्या रिलेशन है। फेरेनहाइट इक्वल टू 9/5 सेल्सियस प्लस 32, और सेल्सियस को एक और बात हम बात करते हैं सेंटीग्रेड में भी बात कर लेते हैं, मीनिंग सेम ही आएगा। जनरली ऐसा कहा जाता है कि सेंटीग्रेड टेम्परेचर है और सेल्सियस उसका स्केल है, नेम है जिस मेजर करते हैं, लेकिन हम कई बार सेल्सियस सेंटीग्रेड को सेम ही लेते हैं। इसीलिए कैल्विन और एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब सेम है, जहां पर लिखा जाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इसका मतलब टेम्परेचर कैल्विन, और सेंटीग्रेड का मतलब सेल्सियस में टेम्परेचर। इसके साथ डिग्री आता है, शुरू से डिग्री लगाया जाता है, और फॉरेनहाइट और कैल्विन के साथ डिग्री नहीं लगाया जाता। ठीक है, हमारा यहाँ पर पूरा काम कैल्विन से ही चल जाता है, हमें कुछ और नहीं देखने को मिलता, लेकिन आना सबको चाहिए फिर भी। नेक्स्ट पॉइंट हो ये रहा है कि कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स भी निकल के आते हैं, जैसे कैल्विन और सेल्सियस में क्या रिलेशन है, डिग्री सेल्सियस में 273 ऐड कर दो। कैल्विन में टेम्परेचर स्टार्ट ही जीरो से आता है, यानी कैल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है, लेकिन क्योंकि अगर ये सपोज जीरो हुआ तो सेल्सियस सेंटीग्रेड में तो -273 हो गया, जबकि सेल्सियस में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों पॉसिबल है। इज दैट क्लियर? और फेरेनहाइट में भी ऐसा ही आपको देखने को मिल रहा है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब बात आती है एक और की पॉइंट की, अगर किन्हीं दो पॉइंट के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस निकाल रहे हो आप कैल्विन में, तो सेल्सियस में निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस हमेशा सेम होगा। क्यों? क्योंकि जब आप डिफरेंस निकालते हो तो 273 वाला फैक्टर दोनों में क्या हो जाएगा, सेम रहेगा और कटेगा। इसलिए जब डिफरेंशिएट करोगे डेल्टा टी के डेल्टा टी सी और डेल्टा करोगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। यानी कि डिफरेंशिएशन दोनों पे करने पे या डिफरेंस लेने पे दोनों की वैल्यू बराबर होती है। क्या ये चीज इसमें भी लगेगी? नहीं लगेगी,
क्योंकि डेल्टा टी एफ और डेल्टा टी सी में ये वैल्यू भले जीरो हो जाए लेकिन यहाँ पर 9/5 का डिफरेंस आएगा। यानी कहने का मतलब ये कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू 9/5 डेल्टा टी सेल्सियस टेम्परेचर ये बनेगा प्लस जीरो। कोई दिक्कत आ रही है आपको समझने में? डिफरेंस लेना आना है, आता है आपको, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो जब भी किसी फॉर्मूले में आपको डेल्टा टी लिखा है तो आप टेम्परेचर सेल्सियस में ले सकते हो, लेकिन शर्त ये है फिर दोनों जगह सेल्सियस लेना डेल्टा टी निकालते वक्त, या दोनों जगह कैल्विन ले लेना, बात एक ही है। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला है जहां सिर्फ टी आ रहा है तो वहां पर तो आपको सेल्सियस दिया है तो कैल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है, जरूरी है। आ रही है बात समझ में? आपको कुछ ऐसे फॉर्मूले देखने को मिलेंगे एमएस डेल्टा टी और टेम्परेचर सेल्सियस में दे रखा है, तो क्या आपको कन्वर्ट करना जरूरी है कैल्विन में? नहीं। कुछ ऐसे फॉर्मूले भी मिलेंगे जिसमें पीवी इक्वल टू एनआरटी, क्या टेम्परेचर को कैल्विन में कन्वर्ट करना जरूरी है? हाँ, इस जगह जरूरी है, इस जगह नहीं है, ऐसे फॉर्मूले में। इज दैट क्लियर? तो थोड़ा सा टेम्परेचर के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, अच्छा आइडिया होना चाहिए टेम्परेचर के बारे में, प्रेशर के बारे में, वॉल्यूम के बारे में। क्या ये चार्ट आपको क्लियर हो गया पूरा? कोई डाउट नहीं है? इंडिया एक ऐसा है जहां पर हम टेम्परेचर कैल्विन या सेल्सियस बताते हैं, बाकी हम खासतौर पे यूएसए में टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में ही बताते हैं। आज भी वो चीज़ें फ़ारेनहाइट को ही मेन स्टैंडर्ड यूनिट बना के चल रहे हैं, ठीक है? उनके थर्मामीटर फ़ारेनहाइट बेस है, हम भी थर्मामीटर में फ़ारेनहाइट ही कहते हैं। बोलते हैं ना टेम्परेचर यार 101 102 डिग्री हो रहा है, वो फ़ारेनहाइट है। कोई डाउट नहीं है? लिखें इसको। तो इनके दो डाउट हैं, पहला फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या सेम है? हाँ, फ्रिज का मतलब होता है लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करना, जैसे पानी को यानी वाटर को आइस में चेंज करना, और मेल्ट का मतलब होता है आइस को वाटर में चेंज करना। तो जिस टेम्परेचर पे ये आपस में चेंज होंगे, वाटर से आइस हो या आइस से वाटर हो और इक्विलिब्रियम रहे दोनों में, तो वो टेम्परेचर सेम होगा, बस नाम चेंज हो जाएगा, नाम ये हो जाएगा, इस जगह एक जगह मेल्टिंग हो जाएगा, एक जगह फ्रीजिंग पॉइंट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू वाइज दोनों क्या होंगे? सेम होंगे, लेकिन थिंकिंग प्रोसेस वाइज अलग होंगे। इसका मतलब ये हो रहा है कि हो स्टार्ट कहां से किया, प्रोसेस सॉलिड से लिक्विड की तरफ गए हो या लिक्विड से सॉलिड, लेकिन इस टेम्परेचर पे दोनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। इक्विलिब्रियम में रहेंगे यानी कि सॉलिड भी रहेगा आधा और आधा क्या होगा? लिक्विड भी रहेगा। अगर आपने टेम्परेचर कम या ज्यादा रख लिया तो या तो पूरा सॉलिड चेंज हो जाएगा या पूरा वाटर या लिक्विड में चेंज हो जाएगा। तो जो फ्रीजर का टेम्परेचर होता है घर में, जो फ्रीजर होता है वो फ्रीजर का टेम्परेचर पता है क्या रखते हैं? -2 रखते हैं, जबकि पानी तो -2 या -10, जबकि पानी तो 0 पे हो जाएगा, 0 रख दें एग्जैक्ट तो आधा पानी और आधी बर्फ बनेगी, लेकिन -10 रख देंगे तो पूरा पानी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? बर्फ में, इसलिए फर्क पड़ता है। अब आ गई बात समझ में? तो क्या -2 पे पूरा बर्फ चेंज हो गया तो उसको फ्रिज बोलेंगे? नहीं, हमारे लिए फ्रीजिंग या मेल्टिंग वो है जब दोनों 50-50 हो, इक्विलिब्रियम में हो दोनों। कोई डाउट नहीं है? लिखो, लेटेंट हीट का मतलब क्या होता है? देखो, लेटेंट हीट का मतलब है मतलब द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड फॉर कन्वर्ट 1 ग्राम सॉलिड टू 1 ग्राम लिक्विड। ये तो हो गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और वेपराइजेशन का मतलब हो गया 1 ग्राम ऑफ लिक्विड कन्वर्ट इन 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर या वेपर जो भी। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये लेटेंट हीट है। इस लेटेंट हीट में टेम्परेचर सिस्टम का कहीं नहीं बढ़ रहा है, बस स्टेट चेंज हो रही है। तो एक तरह से हीट दी भी और टेम्परेचर नहीं बढ़ा, इसीलिए इसको लेटेंट हीट बोलते हैं। कोई डाउट? अगर टेम्परेचर बढ़ जाता है तो फिर उसे लेटेंट हीट नहीं बोलते, फिर उसको बोलते हैं हम स्पेसिफिक हीट। इज दैट क्लियर? तो वो टेम्परेचर को बढ़ाने में काम आती है स्पेसिफिक, और लेटेंट हीट में टेम्परेचर नहीं बढ़ता, बिना टेम्परेचर बढ़े हीट एब्जॉर्ब हो रही है, लेकिन उससे उसकी स्टेट चेंज होना जरूरी है। लिखें इन सबको। तो बात करते हैं एनर्जी, एनर्जी यूनिट चार्ज। एनर्जी आपके पास बहुत सारी है, वर्क, हीट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, ये सब एनर्जी के टाइप्स हैं, सही है? अब हम बात कर रहे हैं कि इनकी क्या डेफिनेशन है, वो तो इंडिविजुअली हर एक की अलग अलग है। जैसे वर्क की डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स माइनस
मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट। हीट का मतलब तो अलग ही हो गया, रेडिएशन के थ्रू जो एनर्जी लिबरेट हो रही है वो। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच लाइक दिस। न्यूक्लियर एनर्जी बिल्कुल अलग फॉर्मेट है। तो एनर्जी की यूनिट्स क्या होंगी? एनर्जी की बहुत सारी यूनिट्स आती हैं, जैसे जूल एम के एस हो गई और अर्ग सी जे एस हो गई। ये तो मेन यूनिट है। नेक्स्ट कुछ चैप्टर यूनिट होगी जिसमें एटीएम लीटर हो गया, बार लीटर हो गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो गया। समझ में आ गया? तो आपके पास सबसे पहली बात है कि इनमें आपस में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, कन्वर्जन। सही है। तो सबसे पहला जो कन्वर्जन आ रहा है वो इन दोनों में आ रहा है। क्या होगा? 1 जूल इक्वल टू कौन सी बनेगी यहां पर? 10^7 अर्ग। बिल्कुल सही बताया आपने। दूसरा, इन दोनों में बहुत अच्छा आ रहा है, 1 एटीएम लीटर इक्वल टू 101.3 जूल होता है। इज दैट क्लियर? इन दोनों में 1 बार लीटर इज इक्वल टू 100 जूल होता है। फिर इन दोनों में 1 जूल इन दोनों में 1 जूल इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.6 × 10^-19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होते हैं। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाते हैं 1 जूल, या 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आप खुद भी देख लीजिए, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1.6 × 10^-19 जूल। तो ये सारे हमारे पास जूल में है। अगर हमें किसी को भी किसी में कन्वर्ट करना है, जैसे अर्ग है, अर्ग से पहले उसको जूल में कन्वर्ट कर लो, जूल से फिर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। एक और यूनिट होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये भी कभी कभी याद आती है, काम आती है। तो आप बताइए, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू क्या होगा? 10^6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मेगा का मतलब 10^6, किलो का मतलब 10^3। समझ में आ रहा है? तो ये होता है किलो, मेगा, गीगा, टेरा। बिल्कुल, पेटा, हेक्सा, खत्म। तो ये सब चलता है 10^3 बढ़ते जाएंगे। तो कोई दिक्कत नहीं आ रही आपको यूनिट्स में? तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, सबसे बड़ी यूनिट कौन सी इन सब में? 1 एटीएम लीटर। फिर सेकंड नंबर पे बार, 1 बार लीटर। फिर थर्ड नंबर पे जूल, 1 जूल। फिर फोर्थ नंबर पे अर्ग, पक्का 1 अर्ग। फिर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसके बीच में आ जाएगा। समझ में आ रही है? तो सबसे छोटी यूनिट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और सबसे बड़ी यूनिट एटीएम लीटर। तो आपसे कोई ये पूछ ले, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी यूनिट है? एनर्जी की। बार किसकी यूनिट है? बार, प्रेशर की। बार लीटर एनर्जी की। तो समझ में आ गया? बार लीटर को आप एक और नाम देख सकते हो, बार डेसीमीटर क्यूब, क्योंकि लीटर को आप डेसीमीटर क्यूब बोल सकते हो ना। तो ये चीज हो सकता है आपका। बिल्कुल, तो ये आपके साथ समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपके पास बहुत इजी हो गया, लिखें इसको।